मैं आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में किसी तरह के व्यक्तिगत राग द्वेष से कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं आज इस सदन में चुनाव लड़ने के बाद पहली बार अपनी बात कहने के लिए खड़ा हूँ। मेरी आज सभी से यह विनती है कि हमारे जनता दल के जितने मेंबर हैं, चाहे भाजपा के लोग बोले हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के, चाहे चंद्रशेखर जी बोले हों या कोई और, हमने किसी को भी छेड़ने का काम नहीं किया है। मैं आज यहाँ एक मंत्री की हैसियत से नहीं, बल्कि इस देश की उत्पीड़ित जनता की ओर से एक राजनैतिक कार्यकर्ता के नाते खड़ा हुआ। हम जिस काम को करने के लिए आए थे वो हमने कर दिया, और ये जानकर आया हूँ कि आज हम विश्वास का मत लेकर कोई बहुमत के लिए नहीं, इस राज को बचाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आज़ादी और महात्मा गांधी के मूल्य पुनः रखने आए हैं, उनका संकल्प लेने आए हैं, चाहे वे लाचारी, बेबसी और मजबूरी के हों। आप इस राज को 40 वर्ष तक चलाने वाले लोग हैं। कुर्सी और सत्ता आपकी भूख हो सकती है, हम तो गरीबी, बेबसी और लाचारी की लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ पहुँचे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा, जो दुनिया का शानदार इंसान था, हिंदुस्तान के कई मजहब, राम और रहीम, जो इंसान और इंसान की राजनीति करता था, जिसने इसी सवाल पर अपनी जान और जिस्म को कुर्बान करने का काम किया था, उस सवाल को याद दिलाने के लिए, बहस के लिए यहाँ आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी कोई बुत नहीं था, चलता फिरता इंसान था। मेरी आस्था ही मेरी मान्यता है। मेरा धर्म, मेरा जन्म कांग्रेस पार्टी के घर में हुआ है। मेरे बाप ने भी 5 बरस की जेल भोगी है। महात्मा गांधी के विचार में संपूर्ण देश को की आगे आने वाली आज़ादी की व्याख्या है, चाहे वे सामाजिक न्याय के विचार हों या आर्थिक न्याय के। महात्मा जी वह पहला आदमी था जिसने आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले जान लिया था कि हिंदुस्तान की गुलामी हिंदुस्तान में हाथ से काम करने वाले बुनकर की गुलामी थी, और उनकी अंगुलियों के कमाल को समाप्त करने के लिए गुलामी आई। उस गुलामी को तोड़ने के लिए महात्मा जी बुनकर बन गए। आज हिंदुस्तान में कोई सवाल जो देश में चल रहा है, उसमें महात्मा जी का विचार कितना गहरा है। मैंने देखा है कि आज़ादी की लड़ाई की उम्र बढ़ती जाती है और महात्मा जी के बुत बढ़ते जाते हैं, लेकिन महात्मा जी के विचारों की लगातार अपमानना। देश के खेत और खलिहानों में, गलियारों में, देश की जनता में उनके विचार का अवमूल्यन हो रहा है। मैं तीसरी चौथी बार इस सदन में खड़ा हुआ हूँ, पर मैंने इस सदन को पहले कभी इतना अनुदार नहीं देखा जितना आज देखा है। मैं आपके खिलाफ भी नहीं बोलने वाला, सिर्फ मेरी बात को सुनिए। इस देश की महान संस्कृति है, यह देश बड़ा गौरवशाली है। इस देश का भूगोल, इतिहास, कल्चर दुनिया की तहजीब में सबसे पुराना है, लेकिन हिंदुस्तान के साधारण नागरिक होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम किन बातों पर गौरव करें। जो लोग आज महान संस्कृति का गुणगान करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में अव्वल दर्जे के इस देश में हम किस बात पर अभिमान कर सकते हैं? हम खजुराहो पर अभिमान कर सकते हैं, कोणार्क पर अभिमान कर सकते हैं, जो हिंदुस्तान के लाचार, बेबस और गरीब के हाथों से बने हुए हैं, पंडित रविशंकर पर अभिमान कर सकते हैं, अलाउद्दीन साहब पर अभिमान कर सकते हैं, और आप बताइए कि किस बात पर आप अभिमान कर सकते हैं? हम किस बात पर गौरव करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब इस देश में होते हैं, या सबसे ज़्यादा अंधे लोग हिंदुस्तान में पैदा होते हैं? इस देश में जुल्म और जालिम से गली गली पटी हुई है। दुनिया में काले गोरे के नाम पर हम मंडेला का स्वागत करते हैं, लेकिन हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि सदियों से 3/4 आबादी को हमने छूने तक का काम नहीं किया है, उन्हें अछूत बनाकर रखा है? किस बात पर गर्व करें? इस बात पर कि हिंदुस्तान में लोगों को पेशों से बांध दिया गया है। आज लकड़ी देखो तो बढ़ई दिखता है, लोहा देखो तो लोहार दिखता है, पानी देखो तो मल्लाह दिखता है, गाय देखो तो यादव दिखता है, गोप दिखता है, ग्वाला दिखता है, ग्वाला देखो तो भैंस दिखती है। हिंदुस्तान में हम किस बात पर गौरव करना चाहते हैं? मंडेला जी का तो हम ताली पीट कर स्वागत करते हैं, सिर्फ काले गोरे का वह अंतर है, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में, दिल्ली में चांदनी चौक, और यहाँ पर जहाँ यह सदन है 21वीं शताब्दी है, और यहीं पर चले जाओ यमुना पार तो वहीं पर 16वीं शताब्दी है, जहाँ पर लोग गटर में बसे हुए, क्या इस बात पर गौरव कर सकते हैं? या हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक अंधे और कोढ़ी पैदा होते हैं? या हम इस बात पर गौरव कर सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भगवान हमने पैदा किए हैं? यरूशलम से लेकर बंगाल की खाड़ी के पार भगवान नहीं है, लेकिन यरूशलम से लेकर यहाँ पर ईसा, मोहम्मद साहब, महावीर, बुद्ध, गुरु नानक, राम, रहीम पैदा हुए। हिंदुस्तान ने इस पर सबसे ज्यादा कमाल हासिल किया है। मैं हिंदू हूँ और किसी से कम हिंदू नहीं हूँ, लेकिन हिंदू धर्म के जो दिमाग हैं, बदशक्ल हैं, उनको मैं इंसान विरोधी मानता हूँ। हिंदुस्तान गौरव कर सकता है कि उसने सबसे ज्यादा भगवान पैदा किए, महात्मा बुद्ध को पैदा किया जिसे यहाँ से भगा दिया,
लेकिन दुनिया में उसको माना गया। यह देश गौरव कर सकता है कि यहां पर 33 करोड़ देवी देवता हैं, 62-63 करोड़ हिंदुओं पर 33 करोड़ देवी देवता, यानी दो हिंदुओं के पीछे एक भगवान है। लेकिन इसके बावजूद इस देश की जैसी दुर्गति कहीं और नहीं है। यह देश कहां पहुंचा है, कहां पहुंचाने का काम किया है आपने? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग यहां आए बहस करने के लिए, हम यहां विश्वास प्राप्त करने नहीं आए। जो लोग कह रहे हैं कि हम मंडल को लालच में लाए, राजनीति के लिए लाए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आरक्षण महात्मा जी ने किस सवाल पर किया, बाबा भीमराव अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लोहिया जयप्रकाश ने किस अरमान से किया? कौन सा अरमान था? संविधान का अरमान था। एक बात बताओ, मैं सदन में खड़ा हूं, यह माइक, मल्टीपल वॉइस कहां से लाए हो? आपकी कलाई पर जो घड़ियां हैं वो भी बाहर से लाए हो। तुमने अकेला जंतर मंतर बनाया है, तुमने एक भी क्रिएटिव काम नहीं किया 2500 वर्षों में। भगवान पैदा करने के सिवा यहां के इंसानों को कुछ नहीं दिया। मैंने किसी को नहीं टोका, मेरी वेदना सुन लो, शायद मन बदले या न बदले, यहां नरसंहार हुआ, यह देश रसातल में चला गया। मैं कहना चाहता हूं कि 11वां अवतार यदि पैदा हुआ तो देश पाताल में चला जाएगा। राजनीतिक दल किस लिए होते हैं? मैं सारे सदन से पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों का कर्म क्या है, धर्म क्या है? यदि आपका कर्म आगम और निगम के परे है, उन धर्मों का काम इस सदन में नहीं है। यह सदन संविधान के तहत बना है, यह सदन बना है इंसानों को सड़क, पानी देने के लिए, बल देने के लिए, शरीर के लिए, उसकी सब तरफ की राजनीतिक संस्कृति तरक्की के लिए। राम और रहीम के नाम पर सदन वाली हिंदुस्तान की पंचायत में बड़ी संख्या में खड़े लोगों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया में हिंदुस्तान से ज्यादा किसी युद्ध में लोग नहीं मारे गए जितने अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर, उनका भजन करने वाले बंदों को कत्ल करने का काम हुआ है। ऐसा इतिहास के किसी युद्ध में नहीं हुआ, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी नहीं हुआ। राम और रहीम के नाम पर आपने लड़ने का जरूर काम किया, लेकिन याद रखना, जब राम और रहीम वाले लोग इतिहास में कभी एक हुए हैं तो इतिहास बदला है, देश आजाद हुआ है, 1857 क्रिएट हुआ है। याद रखना, इतिहास में गौरव करने लायक आपके पास कुछ नहीं है। दुनिया में सबसे लंबी उम्र की गुलामी झेलने में हमारा नाम इतिहास में सबसे ऊपर है, इसमें हम सबसे ज्यादा टॉप करते हैं। हमको कभी रंज नहीं होता, लज्जा नहीं आती, हमारा अपमान नहीं होता। अमेरिका वाले हमको जोकर मानते हैं, हमारा कभी अपमान नहीं होता, लेकिन हिंदू और मुसलमान के सामने हम अपमानित महसूस करते हैं। इतिहास में इतनी गप्पों के पन्नों को लिखा हुआ है, इसका हर पन्ना झूठ गढ़ा गया है। इस देश में हर पन्ने में लिखा हुआ है, बड़ी बहादुरी से लड़े, बड़ा मुकाबला किया, बड़ा काम किया, लेकिन जयचंद के हाथों हार गए। कभी लिखा रहता है कि हाथी ने रौंद दिया इसलिए हार गए, कभी लिखा रहता है कि बिरादरी में बटे थे इसलिए हार गए। अध्यक्ष जी, यह एक ही मौका नहीं है, एक बार मौका आया था चीन से लड़ने का, हिंदुस्तान का पाकिस्तान से युद्ध नहीं है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक जैसे हैं, मतलब दोनों बददिमाग लोग हैं, दिमाग उनका सड़ा हुआ है, इसलिए 7-70 जीत जाते हैं। लेकिन एक बार चीन पर हमला करने का, उनकी तरफ निगाह करने का हमने काम किया तो फौज भाग गई थी, जनरल भाग गया था। जवाहरलाल जी, जिनसे मैं भी मोहब्बत करता हूं, वे कह रहे थे हमारे साथ धोखा हो गया। वे कह रहे थे कि बम दिल्ली में गिर सकता है, चीन ने धोखा दिया। फिर लता मंगेशकर को बुलवाकर हमने क्या गीत गवाया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, इसलिए कि बहुत पिटाई हुई, ठुकाई हुई। कारण, क्योंकि हिंदुस्तान में अपने जाति व्यवस्था के चलते यहां कायरों की फौज बना दी है। यह बहादुरों की तोप नहीं है, चीन ने हमला किया था और चीन से हार के बाद यहां रोते हो। इतिहास में ऐसा मौका नहीं है कि आप जीते हो। हमने उस दिन बैठकर फैसला किया था कि इस्तीफा देंगे, और श्री आडवाणी जी ने कहा था कि हम 30 तारीख को मंदिर बनाएंगे और राम जन्मस्थान मस्जिद पर ही मनाएंगे। राष्ट्रपति जी ने कहा कि जो वर्तमान में स्थिति है वही रहेगी। मैं कहना चाहता हूं कि हम जिम्मेदारी के साथ यहां आए हैं और आस्था के लिए आए हैं। हम इन कुर्सियों का अभिमान नहीं करते, सत्ता का नहीं करते, और गांधी, लोहिया तथा जयप्रकाश के अरमानों के लिए कुर्बान हो जाएंगे। सरकार का सवाल क्यों उठाते हो? हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम आपके हाथों कत्ल होने आए हैं। हिंदुस्तान का दलित पूरे देश में बाबा साहब की मूर्ति उतार कर दिखा दिखा कर मर गया और कुछ भी मिला नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश का नागरिक हमारा है। मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है, और मैं यह कहूंगा कि यह समझो कहां पर मतभेद है। इस देश का शोषित, पीड़ित, सदियों से लाचार, दुर्बल और गुर्बत के साथ बिना साधनों के बंधनों से बंधा हुआ आदमी था। मंडल कमीशन द्वारा उसको हमने खोलने का, आजाद करने का, उसे सम्मान देने का प्रयास किया। हम कोई साधु नहीं है। जो अरमान हम कल सड़क पर देख रहे थे और अपनी पार्टियों में देख रहे थे कि हम राज में आएंगे तो पूरा करेंगे, हमें गर्व है कि हमने उसको पूरा किया। हमने सामाजिक न्याय के काम को किया और राइट टू वर्क का काम करने का कार्य किया। सेकुलरिज्म, सांप्रदायिक सद्भाव, सौहार्द के लिए गांधी जी ने जान दी थी, उससे बड़ी कुर्बानी हमसे नहीं होती।
सेकुलरिज्म के लिए ही बड़ी कुर्बानी हुई है। देश बटा है और लाखों लोग यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से वहाँ चले गए, मकान टूट गए और लोग तबाह हुए। क्यों? इन मुट्ठी भर संगठित सामाजिक न्याय के विरोधी लोगों की एकता को देखते हुए मंडल कमीशन को हम आज खत्म करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि 43 बरस में क्या आपने दलित दबी कुचली जाति को थोड़ा भी उठाया है? इस सदन को 40 साल से आप द्विज ही चला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या अपनी बहन बेटी की शादी अपनी जाति में करते हो या दूसरी जाति में? आप सही मायने में अपनी जात पात को मिटाने को आए हैं तो इसके लिए संविधान में संशोधन करो। जैसे पानी में नमक मिलता है, तो अगर इस तरह जाति टूट जाए तो हम माफी मांगकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वापस कर लेंगे। हम नहीं चाहते कि पिछड़े रहें, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में समाज एक सही मायने में हो जाए। हमारी तो इच्छा है, हम हिंदू रहना चाहते हैं लेकिन अभिमान के साथ रहना चाहते हैं, आपकी शर्तों पर नहीं रहना चाहते। यह मंडल कमीशन के नाम पर आपके मन में शंकाएं थी, मैं आडवाणी जी का आदर करता हूं। जिस दिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो मैंने आपके पैर कांपते हुए देखे। पिछड़ी जाति और दलित जाति के जो सांसद थे उन्होंने दबाव डालकर बराबर अपनी मीटिंगों में इस रिपोर्ट को रखा था और तभी आपने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है। आप इसको अब बदल नहीं सकते हैं। मंडल कमीशन से आपके पैर कांपते थे। आपने जो रथ लिया है यह राम का नहीं, भाजपा का रथ था, आडवाणी जी का रथ था। आपने यह मंडल की जगह कमंडल लिया है तो राम के लिए नहीं लिया। आडवाणी जी, आपके एक सदस्य जो सदन में नहीं है, मेरे मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा, शरद यादव तुमने कबाड़ा करवा दिया, यदि मुझे अपराध बोध होता तो मैं सदन से माफी मांग लेता। वीपी सिंह ने अपनी जाति से, अपने धर्म वालों से आदेश के लिए जितनी गालियां खाई हैं, आप बता दें कि कोई और व्यक्ति है जिसने इतनी गाली खाई हो। अपने वर्ग से जो आदमी आदर्श के लिए पिटा हो, मंडल कमीशन में जिसकी बिरादरी ना आती हो, उसके लिए कहना कि अपने स्वार्थ के लिए किया और चुनावों के लिए किया, घृणित कार्य। अगर यह चुनाव के लिए कह रहे हैं तो हम पूरी तरह तैयार हैं। चुनाव से कौन डर रहा है, कौन जनता से डरता है? आप बना लो केयरटेकर प्रधानमंत्री जो सदन का सबसे पुराना हो और चलो चुनाव में, हम देखेंगे कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। हम आजमाना चाहते हैं कि कौन इस देश में जात पात फैला रहा है, इसकी आजमाइश होनी ही चाहिए। हम 62 करोड़ हैं, आइए चुनकर चलिए मैं चुनाव में। हम वे लोग हैं, गर्दन कट जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन देश की रक्षा करेंगे। आरक्षण के बारे में श्री राजीव गांधी कहते हैं कि काबिलियत मर जाएगी, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी माँ श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ना होती तो किस काबिलियत में आप यहाँ प्रधानमंत्री बनते? कौन सी परीक्षा आपने पास की थी? मंडल कमीशन पर 3 घंटे तक विरोध में बोलने वाले राजीव गांधी से कहना चाहता हूं कि मैं इनके क्षेत्र से चुनाव लड़ा था तो उस वक्त ये बेचारे एक वाक्य भी नहीं बोल पाते थे, लेकिन इंदिरा गांधी के बेटे होने के कारण ये इतने काबिल हो गए कि यहाँ प्रधानमंत्री बन गए। हम विश्वास का मत यहाँ प्राप्त करने आए हैं, आजादी की लड़ाई का, सामाजिक न्याय के दस्तावेज का, सांप्रदायिकता के खिलाफ सद्भावना का और इंसानियत का मत लेकर आए हैं। याद रखो, हिंदुस्तान टूट जाएगा जिस दिन किसी भी धर्म और मजहब को कुचलने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, वे पहले PSP में थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में, सोशलिस्ट पार्टी से कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से जनता पार्टी में आए, फिर जनता दल से कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। हम जन्मे तब से राज वाली पार्टी की तरफ नहीं गए, नहीं भागे। दल बदल का मतलब है लालच, उसका मतलब है कुर्सी के लिए लड़ना। जो हमारे भीतर से लोग जा रहे हैं वे कुर्सी के लिए जा रहे हैं, इसलिए यह दल बदल है। जो लोग हमको सिद्धांत के खिलाफ बताते हैं, हम जानते हैं कि वे कितने सिद्धांतवादी लोग हैं। माफिया के सहारे यह देश नहीं चलेगा। आज हिंदुस्तान में धीरूभाई अंबानी लोकसभा के दरवाजे खटखटा रहा है, लोगों की खरीद फरोख्त हो रही है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा बेनकाब हो ताकि जो सही चेहरा है वो सामने आए। आप जो कहते थे कि आडवाणी जी का रथ रोको, हमने गिरफ्तार किया, तो आप स्वागत करते हैं? तो आप धर्मनिरपेक्षता के इस विश्वास मत का समर्थन करें, कल हम इस्तीफा दे देंगे। जिंदा लोगों की हालत पर राजनीति हो, जो राजनीतिक दल हैं वे लोगों के मसाइल के हल के लिए हैं। राम रहीम मंदिर मस्जिद निर्माण के लिए नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन करता हूं कि आज देश लाचार है, बेबस है, पहले से गुर्बत में फंसा हुआ है, वे हिंदुस्तान को बचाने का काम करें। राम रहीम तो तभी मजबूत होगा जिस दिन यह देश मजबूत हो जाएगा, जिस दिन हिंदू मजबूत हो जाएगा, जिस दिन इस देश का मुसलमान मजबूत हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। ये शरद जी का भाषण है जिस रोज वीपी सिंह की सरकार गिरी है, 7 नवंबर 1990।